नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पटना जंक्शन पे हम हैं। पटना जंक्शन की सुविधा बढ़ा दी गई है। देखिए, पिछले दिनों में कई बार ऐसे खबर मिली कि पटना जंक्शन पे बॉम्ब है। तमाम जो दस्तक टीम है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम है, तमाम लोग पहुंचे, मॉनिटरिंग किए, खूब जांच पड़ताल हुआ और पता चला कि फेक खबर था। देखिए, अभी भी पटना जंक्शन पर एक बैग स्कैनिंग मशीन मंगवाया गया है। देखिए, पटना जंक्शन की सुविधा बढ़ा दी गई है। इसके पहले भी कई बार बैग स्कैनिंग मशीन पटना जंक्शन पर लाया गया था पर बंद हो गया था। अब नई चमचमाती बैग मशीन लोगों के बीच में रख दिया गया है। तमाम जो वो सेटअप पूरे कर दिए गए हैं। देखिए, बिजली की बात करें तो जो पूरा प्रॉपर कनेक्शन है, वो कर दिया गया है, ताकि जो तमाम चीज है उस पर ये बैग स्कैनिंग मशीन है वो नज़र बनाए रखे। तमाम जो लोग आएंगे वो उनका सामान इस बैग स्कैनिंग मशीन के जरिए, जो भी बैग आएगा, झोला आएगा, तमाम चीज़ों को स्कैन किया जाएगा। हालांकि जो अधिकारी होंगे वो भी मॉनिटरिंग करेंगे कि किनके बैग में क्या कुछ जा रहा है। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती जाएगी। देखिए, ये बैग स्कैनिंग मशीन है, ये काम कैसे करेगा? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपके बैग रखे होंगे, जैसे कि ये मेरा बैग है और इसको यहाँ पे रखा जाएगा और ये इसके द्वारा अंदर जाएगा। और देखिए, अंदर में जो स्कैनिंग का जो सुविधा है वो पूरा प्रॉपर है, क्योंकि बैग स्कैनिंग मशीन है। तमाम जितने भी बैग आएंगे उसको स्कैन किया जाएगा। पर यात्री हैं, एक जगह से दूसरे जगह सफ़र कर रहे हैं, उनके बैग में खाना भी होगा, पर खाना को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो भी खाना होगा, फूड होगा, वो बिल्कुल सेफ है। किसी भी तरीके का फाइल होगा, फोल्डर होगा, कैमरा होगा, तमाम चीज़ अगर बैग स्कैनिंग मशीन के अंदर जाता है तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो रखी गई है कि इसके जरिए तमाम जो लोग आएंगे उनके बैग मशीन के जरिए तमाम चीज़ों को स्कैन किए जाएंगे। देखा आपने, हमको दिखाया कि इस ओर से तमाम जो बैग हैं, झोला है, वो रखे जाएंगे और दूसरी ओर से जो यात्री आएंगे उनको प्राप्त होगा। पर पटना के गेट नंबर 3 के पास ये बैग स्कैनिंग मशीन लगाई गई है। हालांकि ये भी स्टार्ट नहीं हुआ है, रेलवे के द्वारा कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इसको स्टार्ट किया जाएगा और सुरक्षा में कोई कताही नहीं बरती जाएगी। इसके पहले भी मशीन आया पर किसी कारणवश वो खराब हो गया और उसको वापस कर दिया गया और नया मशीन लाया गया ताकि सुरक्षा में लापरवाही न हो सके। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।